अफगानिस्तान में रॉयटर्स की फोटो पत्रकार दानिश सिद्दीकी की हत्या कर दी गई है। दानिश सिद्दीकी अफगानिस्तान में मौजूदा हालात को कवर करने के लिए पिछले कुछ दिनों से वहां डटे हुए थे। दानिश सिद्दीकी दिल्ली के रहने वाले थे। अफगानिस्तान के समाचार चैनल टोलो न्यूज के सूत्रों के हवाले से इस बात की जानकारी मिली है। दानिश सिद्दीकी की मौत कांधार प्रांत के स्पिन बोल्डक इलाके में हुई है, जहां वो मौजूदा हालात को कवर कर रहे थे। बता दें कि अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद से यहां भीषण हिंसा जारी है। सिद्दीकी बीते कुछ दिनों से कंधार में जारी हालात की कवरेज के लिए वहां गए हुए थे। सिद्दीकी ने अपने करियर की शुरुआत एक टीवी रिपोर्ट के रूप में की थी और बाद में वह फोटो जर्नलिस्ट बन गए थे। दानिश सिद्दीकी साल 2018 में अपने सहयोगी अदनान आबिदी के साथ पुलित्जर पुरस्कार जीत चुके हैं। उस समय वो पुलित्जर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय बने थे। दानिश ने रोहिंग्या शरणार्थी संकट को भी कवर किया था। भारत में अफगानिस्तान के राजदूत फरीद मामुनजाई ने दानिश के बारे में लिखा और दुख जताया। इससे पहले दानिश सिद्दीकी ने 13 जून को ट्वीट कर जानकारी दी थी कि वह जिस वाहन में सवार थे उस पर हमला किया गया था। उन्होंने लिखा था, मेरी किस्मत अच्छी रही कि मैं सुरक्षित बच गया। अफगानिस्तान में जारी संकट को कवर करने गए दानिश सिद्दीकी लगातार वहां के हालात को कैमरे में कैद करके अपने ट्विटर हैंडल से शेयर भी कर रहे थे। अपने हैंडल के जरिए दानिश सिद्दीकी अफगानिस्तान से कई तरह के जीवन को एक साथ दिखाने की कोशिश में लगे हुए थे।